टूअल में हमने लिखने का तरीका देखा हमने उसमें जो एक की फीचर नेमिंग का देखा जिसके थ्रू हमारा प्रोसीजरल कोड सिंप्लीफाई होता है हम ऑब्जेक्ट्स को नेम्स के थ्रू एक्सेस करते हैं अगर हम नेमिंग को एक्सक्लूड कर दें ने यूज ना करें तो हमारा कोड डिज़ाइन डिपेंडेंट हो जाएगा हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन डिपेंडेंट हो जाएगी डब्ल्यू और जैमल का और की गोल है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन की सेपरेशन नेमिंग के साथ हमने दूसरी चीज की देखी कि वो क्या ग्लोइंग कोड है एक तो हमने देखा कि एक्सएमएल रीडर डॉट लोड से हम कोई एक्स एम जेमल फाइल किस तरीके से लोड कर सकते हैं और फिर हमने देखा कि एक्स डॉट कॉलन क्लास और पार्शल क्लासेस का फीचर यूज करके हम कैसे प्रोसीजर कोड को ग्लू कर सकते हैं विद डेकलेटिव मार्कअप और जो चीज़ें डेक्लेटिव में ईजी हैं वो वहाँ पर लिख लें और जो चीज़ें पर प्रोसीजर कोड में ईजी हैं वो प्रोसीजर में लिखें हम एक इवेंट हैंडलर प्रोसीजर कोड में लिखें और उसको स्पेसिफाई मार्कअप में कर दें कि वो किस बटन का हैंडलर है दोनों जगह उन दोनों की स्पेशलाइजेशन यूज़ करें डेक्लेटिव की स्पेशलाइजेशन इन इनिशियलाइजिंग एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन क्रिएटिंग हायरार्की ऑफ़ यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स और प्रोसीजल कोड में राइटिंग द एक्चुअल बिजनेस लॉजिक जो किसी यूजर इंटरफेस एलिमेंट पे कोई एक्शन या कोई इवेंट होने से अक्र होनी है हमने देखा कि ये जेमल फाइल एक बाइनरी फाइल बनती है एक बाइनरी रिसोर्स बनती है प्रोजेक्ट में अटैच होती है और उसके बाद हम उसे ऑटोमेटिकली एक्स कॉलन क्लास से वो लोड हो जाती है इनिशलाइज कंपोनेंट में हर हम उसे इन्वोक करते हैं प्रोसीजरल कोड को हम जैमल फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं ये कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं है लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने जिस पॉइंट पे हमने ये कह दिया कि एक्स कॉलन क्लास का कीवर्ड जो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था जिसके अगेंस्ट हमने ये कहा था कि एक पार्शियल क्लास बनती है और अब एक पार्शियल क्लास हम सीशाप में लिख रहे हैं तो चूंकि एक पार्शियल क्लास जनरेट हो रही है यानी हमारे एक्स कॉलन क्लास की की वजह से जैमल पार्सर एक क्लास जनरेट कर रहा है तो हम उस क्लास में आर्बिट्री कोड भी एड कर सकते हैं कैसे इस एग्जाम्पल में देखें हमने बटन का क्लिक इवेंट हैंडलर डिजाइन किया है बटन अंडरस्कोर क्लिक को बटन अंडरस्कोर क्लिक एक इवेंट हैंडलर है जो हमारी कोड बिहाइंड फाइल जो सी शार्प की पार्शियल क्लास थी उसमें होता तो वहां से भी वर्क कर जाता लेकिन अगर हम उसे जैमल फाइल के अंदर ही देना चाहें तो हम ये एक्स कॉलन कोड का टैग जो कहीं भी अपीयर हो सकता है क्योंकि बेसिकली ये किसी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है ये कोड है जो जस्ट जो पार्शियल क्लास जनरेट हो रही है उसमें ऐड हो जाएगा तो एक्स कॉलन कोड के अंदर हमने ये इवेंट हैंडलर दे दिया बटन अंडर क्लिक का इसके आर्ग्यूमेंट्स और उसमें दिस डॉट क्लोज कर दिया अब यहाँ पे दिस्क क्या है अगर आपको याद हो कि जो हम कोड बिहाइंड फाइल लिखी थी वो हमने विंडो से डिराइव की थी और हमने ये कहा था ये हम विंडो से इसलिए डिराइव कर रहे हैं कि जो हमने साथ जेमल फाइल दी है उसका रूट टैग विंडो है और रूट टैग के अंदर हमने एक्सकॉलन क्लास लिखा है तो जो पार्शियल क्लास जेमल बनाएगी वो भी विंडो से डिराइव होगी तो अगर ये विंडो से डिराइव्ड है और विंडो को हम दिस डॉट क्लोज़ करते हैं तो इसका मतलब विंडो क्लोज हो जाएगी तो हमने एक इवेंट हैंडलर लिखा है जिसमें ओके okay बटन को प्रेस करने से विंडो क्लोज हो जाती है इसमें ये आपको एक सी डेटा का सेक्शन नजर आ रहा है ये सी डेटा का सेक्शन एक्स को ये बता रहा है जो एक्स के स्टैंडर्ड का पार्ट है ये सी डेटा इस तरह से लिखना और ये इसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करना कि यह कोड नॉर्मल एक्सएमएल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे लेस देन का मीनिंग स्टार्ट ऑफ टैग नहीं होगा यहाँ पे एम परसेंट का मीनिंग वो नहीं होगा जो एक्सएमएल में होता है अगर हम ये ना यूज़ करें तो इस पॉइंट पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो एम परसेंट साइन है उसकी जगह एम परसेंट या जो लेस देन साइन है उसकी जगह एम परसेंट जो अपने एस में स्केप रूल्स होते हैं वो फॉलो करके लिखना पड़ेगा जो एक्सएमएल के स्केप हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और कोड में हम ये सिम्बल्स फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं तो कोड बीच में डालने के लिए ये इजी रहता है कि हम सी डेटा सेक्शन बना लें लेकिन फिर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोड में डबल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ना लें लिखें लेट्स से हम टू डी अरे बना रहे हैं टू डी जैगेट अरे बना रहे हैं तो उसको क्लोज करने के लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं तो उसके दरमियान हम एक स्पेस डाल दें ताकि दो क्लोजिंग स्क्वायर खट्टी ना आए वरना सी डेटा सेक्शन क्लोज हो जाएगा एक्सएमएल पार्सर्स एरर देगा इसमें यह कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं है ये मैंने सिर्फ एक फीचर बताया है कि चूंकि हमारे एक्स कॉलन क्लास की वजह से एक पार्शियल क्लास बन रही है तो उसमें हम कोड भी ऐड कर सकते हैं लेकिन यह कोड हम क्यों ऐड करना चाहेंगे को यह कोड सी शार्प फाइल को बिलोंग करता है ये कोड बिहाइंड फाइल को बिलोंग करता है कोड बिहाइंड का कंसेप्ट यह है कि सारा कोड उसमें हो सारी इम्प्लीमेंटेशन उसमें हो मार्कअप सिर्फ डेक्लेटिव हो जिसमेंट को डिजाइन सही करते थे कोट ब्रेक हो जाता था इंप्लीमेंटेशन वाले बीच में चेंजेस करते थे डिजाइन ब्रेक हो जाता था तो ये कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं है ये सिर्फ हमने फ्यूचर की बात की है इसके बाद हमने ये जो जिस टाइम पे इंटीग्रेशन की बात की थी प्रोसीजरल कोड और डिकलेटिव मार्कअप की तो हमने साथ ये बात भी की थी कि ये मार्कअप बाइनरी फॉर्मेट में और बाइनरी से यहाँ कोई एग्जीक्यूटिबल नहीं मुराद यहाँ पे सिर्फ ये मुराद है कि उसकी टेक्स्ट में जितनी स्पेस वेस्टेज होती है वो नहीं होगी और उसे कंप्रेसड फॉर्मेट में स्टोर होगा टेक्स्ट में स्पेस वेस्टेज से एक्चुअली क्या मुराद है कि टेक्स्ट में हम बहुत थोड़े से लेटर्स ट्वेंटी सिक्स कैपिटल अल्फाबेट्स ट्वेंटी सिक्स मॉल और थोड़े से सिम्बल्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं और अक्सर वो स्टोर्ड लाइक एट बिट्स में जिसमें वन टू फिफ्टी सिक्स करेक्टर्स आ सकते हैं या अक्सर सिक्सटीन बिट्स में अगर आपकी फाइल यूनिकोड फाइल है तो इसमें आपकी वेस्टेज बहुत सारी हो रही है इवन एट बिट्स में आपकी बहुत वेस्टेज हो रही है तो बाइनरी फॉर्मेट में इसे कंप्रेस कर लेते हैं इवन टैग्स को टैग्स को पूरे पूरे टैग स्टोर करना ज़रूरी नहीं है उसकी हम सिर्फ उसका नेम स्टोर कर लें उसकी क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग अगर आप सोचें बाइनरी फॉर्मेट में अगर आप सिर्फ लेंथ रख लें तो आपका एक पूरा टैग बच गया तो इस तरह की जो सिर्फ पे है। उन से हमारी बाइनरी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज बनती है जो एक स्पेस सेविंग फॉर्मेट है एक जैमल फाइल को स्टोर करने का और इसको एम्फिसाइज करने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में

फाइल को लोड किया ये यहाँ पे अब मैं जो लोड कर रहा हूँ एक रिसोर्स है ये एक बाइनरी फॉर्मेट है ये बेमल फाइल है फाइल नहीं है उसको मैंने लोड किया तो पूरी एक ऑब्जेक्ट हैरारकी क्रिएट हो गई जिसके रूट एक विंडो है उसके बाद मैं जिस तरह जैमल रीडर डॉट लोड करता था उसी तरह जैमल राइटर डॉट सेव कर सकता हूँ ये इसके कारस्पॉन्डिंग आपको याद होगा हमने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डॉट लोड और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डॉट सेव भी यूज किए हुए हैं ये सिमिलर है राइटर डॉट सेव एक ऑब्जेक्ट रूट एक ऑब्जेक्ट रूट ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके नीचे यू एलिमेंट्स की हैरार है और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक जैमल फाइल में तो मेरे पास एक स्ट्रिंग जेमल आ गई जैमल राइटर डॉट सेव से और उस स्ट्रिंग को मैं चाहे फाइल में सेव कर सकूं चाहे मैं फाइल में सेव कर लूं चाहे मैं रिसोर्स में सेव कर लूं तो ये एक्चुअली आप डिफरेंट रिसोर्सेज से लोड कर सकते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज पे राइट कर सकते हैं तो हमारे पास एक XML फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक रीडर है एक बैमल फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग रीडर है और इस तरह के रीडर्स थर्ड पार्टी के मजीद फॉर्मेट्स के भी सपोर्टेड हैं जो बेसिकली किसी फाइल को या किसी स्पेसिफिकेशन को रीड करके एक ऑब्जेक्ट ग्राफ XML जैमल नोट्स का ग्राफ बनाते हैं जो कि एक्चुअली एक यू एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली एक जैमल राइटर है एक बैमल राइटर है और इसके अलावा थर्ड पार्टी राइटर्स भी हैं तो ये एक्जैमल नोड्स एक, एक सेंट्रल फॉर्मेट बन गए, जिसमें जिसके एक साइड पे रीडर्स हैं और एक साइड पे राइटर्स हैं मसलन में एक और जो बिल्टिन राइटर है वो एक जैमल एक्सएम रैटर है कि कहने को जैमल राइटर ही लगता है लेकिन जैमल एक्सम रीडर और जैमल एक्सएम राइटर को अगर हम ख़ुद यूज़ करें स्टेप बाई स्टेप पास करने के, के लिए किसी डॉक्यूमेंट को तो उसमें एडिड बेनिफिट ये है कि वो बहुत सारे डिफ्रेंसेज को जैमल डिफ्रेंसिस को एब्सट्रैक्ट करते हैं जैमल डिफ्रेंसेस से क्या मराद है कि मस कोई प्रॉपर्टी आप सेट कर रहे हैं आप उसे आर्गोमेंट से भी सेट कर सकते हैं यानी जो आपकी एक्समल एटरीब्यूट है उस एटरीब्यूट प्रॉपर्टी वैल्यू और उसे आर्गूमेंट कोटेशन में दे दें आप उसे प्रॉपर्टी एलिमेंट से सेट कर सकते हैं जिसमें आप जैसे बटन डॉट कंटेंट करके सेट कर रहे थे आप उसे डिफॉल्ट कंटेंट असाइनमेंट से सेट कर सकते हैं तो ये तीन तरीके हो गए एक ही काम करने के अगर आप जैमल रीडर यूज़ करें और उससे इकट्ठा पूरा लोड करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप खुद पास करें तो आपको ये तीनों चीज़ें तीन डिफरेंट तरीके से नज़र आएंगी लेकिन अगर आप जैमल एक्सएमएल रीडर या जैमल एक्सएमएल राइटर यूज़ करते हैं तो वो इन डिफरेंसेस को एब्सट्रैक्ट कर देगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो इसको एक लेवल ऑफ एब्सट्रैक्शन ऐड कर देता है इस स्लाइड में मैंने एमफेसइज किया है कि आपके पास मल्टीपल रीडर्स और राइटर्स हैं जिसमें आपके सेंटर में जैमल नोड्स हैं आप ऑब्जेक्ट ग्राफ से भी जैमल रीडर राइटर पे आ सकते हैं आप एक्सएमएल से आ सकते हैं बेएमएल से आ सकते हैं और अदर वे राउंड तो ये थे एक्स जैमल के रीडर्स और राइटर्स नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि जैमल 2009 को इस पे हमने थोड़ा सा पहले टच किया था थोड़ी सी और बात करते हैं और मैं आपको जैमल 2009 के फीचर्स के बारे में भी बताता हूँ और आपको एक इसमें जो की इनसाइट है वो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि जेमल किस डायरेक्शन में जा रही है यानी जेमल 2006 अभी तक हमने देखी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन और प्रॉपर्टी सेट हो रही हैं उसे एक्सटेंड करने के तरीके हैं जैमल टू आप देखेंगे कि इसी चीज़ को एनहांस कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट्स अभी क्रिएट नहीं हो सकती या नाइसली क्रिएट नहीं हो सकती उनकी स्पोर्ट और वो क्या है वो अभी हम देखेंगे लेकिन जैमल 2009 अभी तक इसकी टूल सपोर्ट वीक है इवन विजुअल स्टूडियो में आप डब्ल्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप जैमल 2006 ही यूज कर रहे होते हैं आप जैमल 2009 सिर्फ स्टैंड अलोन जैमल चला सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ ऑप्शंस देके या थर्ड पार्टी टूल्स में एट सम पॉइंट विजअल स्टूडियो में इसकी स्पोर्ट आएगी डब्ल्यू में स्पोर्ट आएगी बट राइट नाव हम मोस्टली टू यूज कर रहे हैं तो जेमल 2009 में की फीचर्स क्या हैं? एक तो इसमें जेनरिक्स की सपोर्ट है मतलब अभी तक आपने देखा है कि हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमने सारी एग्जांपल्स देखी कंक्रीट नॉर्मल क्लासेस की जेनरिक क्लासेस की नहीं देखी यानी एक अ लिस्ट ऑफ मे बी सम यूजर टाइप ऑफ कस्टमर्स में अ लिस्ट ऑफ टाइप कस्टमर जिसमें सारे कस्टमर्स हों अभी हम बना सकते हैं लिस्ट की बट वो जेनरिक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट जेनरिक से मेरी बना दी है, वो एक बेस क्लास जो ऑब्जेक्ट की है उसकी लिस्ट होगी वो स्पेशलाइज्ड नहीं होगी फॉर कस्टमर तो जेनरिक्स की सपोर्ट, जेमल 2009 में बड़ी एक्सटेंसिव सपोर्ट है यूजिंग ये टाइप आर्ग्यूमेंट का एक उन्होंने की इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू ये स्पोर्ट एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी की राइट right नाउ आप देखें कि हम एक्स कॉलन की से स्ट्रिंग दे रहे हैं और हमने जैमल में देखा था कि जब आप कोई एट्रीब्यूट देते हैं तो एट्रीब्यूट सिर्फ स्ट्रिंग हो सकता है और जब हम चाह रहे थे कि रिच कंपोजिशन करें और किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू इट्स कोई और ऑब्जेक्ट हो जो टैग से क्रिएट होना हो तो वो हम एट्रीब्यूट में नहीं दे सकते बट के प्रॉपर्टी एलिमेंट का सेंटेक्स यूज करते हैं तो इसका मतलब एक्स कॉलन की जो हम डिक्शनरी में कीज दे रहे हैं उसके भी वैल्यूज लिमिटेड हैं यानी उसकी वैल्यू की टाइप लिमिटेड है या वो स्ट्रिंग हो सकती है या वो इंट वगैरह हो सकते हैं जो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से खुद कास्ट हो जाते हैं तो जैमल 2009 में एक्सटेंसिव सपोर्ट है कि टाइप डिक्शनरी कीज की कोई भी हो सके बिल्ट इन सिस्टम डेटा टाइप्स आपने एक एग्जाम्पल देखी है जिसमें हमने यूज किया था सिस्टम ने सेस खुद से इंक्लूड की थी तो अब बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो सी शार्प की हैं उनके लिए हमें ये एक्सटेंसिव नेम स्पेस एड करने की जरूरत नहीं है उनकी बिल्ट इन स्पोर्ट है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विद नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स ये एक आ, इससे आपको आइडिया होगा कि अभी तक भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स अभी तक क्रिएट नहीं हो सकती हैं या किसी तरीके से क्रिएट नहीं हो सकती हैं, वो 2009 में उन्हें टारगेट किया है तो ये नहीं है कि अब हम कोई और ये कह रहे हैं कि 2009 में हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शंस कॉल करने का या उन पर कोई एल्गोथम चलाने के तरीके ऐड करें नहीं स्टिल अबाउट डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट सेटिंग प्रॉपर्टीज तो अभी तक हमने कहा था कि जेमल से, से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है जिसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो क्योंकि जेमल के अंदर कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट देने का तरीका नहीं था तो 2009 में उन्होंने फीचर दिया कि जिसके थ्रू हम नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिनके ऑब्जेक्ट के यूज करने उनके थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें ये कहा यूजफुल है WPF ने तो क्योंकि XML स्पेसिफिकेशन के बाद डिजाइन हुई उन्होंने सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाए जिनके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं जिनकी सारी वैल्यूज प्रॉपर्टीज से जाइन हो सकती हैं लेकिन अगर आप कस्टम क्लासेस कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोई डॉट नेट की नॉर्मल क्लासेस यूज़ करना चाहें तो अक्सर आपको नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो जैमल की एक डायरेक्शन है कि वो डब्ल्यू से डिसोसिएट होके एक डिक्लेटिव मार्कअप बन जाए जेनरिक डिप्लट मार्कअप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एक और तरीका होता है इंस्टेंस क्रिएट करने का थ्रू अ फैक्ट्री मैथड मसन मैं एक स्टेटिक फंक्शन किसी क्लास का कॉल करूं और उसे कहूं मुझे एक इंस्टेंस दे दो मे बी ये डिफरेंट तरीकों से फैक्ट्री मैथड क्रिएट करते हैं फैक्ट्री मैथड का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मैथड जो आपको एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके दे किसी पर्टिकुलर टाइप का मसन मतलब बटन का फैक्ट्री मैथड मेथड हो सकता है जो एक नया बटन क्रिएट करके दे नॉर्मली फैक्ट्री मेथड किसी वजह से होगा मसलन वो बटन क्रिएट करने के अलावा उसे किसी स्पेशल लिस्ट लिस्ट में डालेगा उसे किसी जगह रजिस्टर करेगा या बाज एक फैक्ट्री मेथड यूज करते हैं सिंगलटन बनाने के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैं चाहता हूँ टोटल एक इंस्टेंस बने तो जब भी कोई फैक्ट्री मेथड कॉल करे या वो ओरिजिनल इंस्टेंस जो पहले से बना है वो दे दे या अगर अभी तक नहीं बना तो एक नया इंस्टेंस बना ले तो ऐसे जो स्टैटिक मेथड से फैक्ट्री मेथड से नया इंस्टेंस गेट करने का तरीका उसकी सपोर्ट उन्होंने दी इवेंट हैंडलर्स जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि क्लिक इज इक्वल टू बटन अंडर क्लिक इसको उन्होंने सपोर्ट दी कि इसमें ऐसी मार्कअप एक्सटेंशन दे दें जो एक डेलीगेट रिटर्न करे इसका फायदा क्या होगा इसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ बड़े सिंपल से इवेंट हैंडलर्स होते हैं जिसमें आपने कोई एक नॉन काम करना है और वो इवेंट हैंडलर आप एक बार लिखते हैं से एक कलेक्शन ऑफ इवेंट हैंडलर्स आपने लिख दिए एक क्लास में एक मार्कअप एक्सटेंशन में और वो मार्कअप एक्सटेंशन उनमें से रेलिवेंट इवेंट हैंडलर रिटर्न कर दे बेस्ड ऑन सम पैरामीटर तो आप एक इवेंट हैंडलर क्लिक इज इक्वल टू और मार्कअप एक्सटेंशन यूज करके उसे कोई आर्गूमेंट दें और आपको एक इवेंट हैंडलर मिल जाए वाया रिटर्न डेलीगेट आर्गुमेंट इसके अलावा उन्होंने सपोर्ट दी कि आप एडिशनल मेंबर्स और प्रॉपर्टीज को सेट कर सकें तो ये एक्स ये जो ज़ेमल 2009 के गोल्स हैं आप देखें इट्स ऑल अबाउट कि आप जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं हो सकते थे ज़ेमल 2006 में जो कंस्ट्रक्टर्स इन्वोक नहीं हो सकते थे उन्हें इन्वोक करना और प्रॉपर्टीज को सेट करना प्रॉपर्टीज को सेट करना मजीद इजी बनाना जेनरिक टाइप्स को सपोर्ट करना लेकिन अभी तक मैंने जो आपको पहले बताया कि मैं आपको इन सारों की एग्जाम्पल्स और ये एक्चुअल करने का तरीका इसलिए नहीं बता रहा कि अभी तक एजैमल टू 2009 की सपोर्ट नहीं आई इस टू थाउजेंड नाइन नाम से जाहिर है 2009 में आई उसके बाद विजुअल स्टूडियो 2010 आया एक्सपेक्टेड था कि उसमें स्पोर्ट होगी बट उसमें नहीं आई उसके बाद टू थाउजेंड स्टूडियो भी आ गया जो हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी इसकी स्पोर्ट नहीं है इसकी स्पोर्ट में कुछ इश्यूज हैं लेगेसी कोड के साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशन हैं लेकिन इवेंचुअली वी एक्सपेक्ट के स्पोर्ट आ जाएगी इसलिए मैंने आपको फीचर्स बता दिए बट हम इसकी एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे वापस आते हैं जैमल टू पे जिसमें हम वो सारी क्लासेस क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकते हैं जो जेमल 2006 को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई थी और अब हम इन समरी जो अभी तक हमने सारे कीवर्ड्स यूज़ किए और नहीं किए हम जेमल 2006 के कीवर्ड्स की लिस्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं यानी वो स्पेशल स्ट्रिंग्स जिन्हें जेमल का पार्सर स्पेशली ट्रीट करता है इसमें बटन और विंडो और वो जो सारे एट प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट्स हैं वो डब्ल्यू पी एफ स्पेशली ट्रीट करती है जेमल क्या स्पेशली ट्रीट करता है ये देखते हैं इसमें पहला है अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है एसंक रिकॉर्ड्स और ये सारे एक्स नीम्सपेस जो आपकी सेकेंड नीम स्पेस होती है जिसे कन्वेंशनली एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ये उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं एक्स कॉलन ए सिंक रिकॉर्ड्स और ये हमने जैमल को लोड करते हुए जो जैमल रीडर डॉट लोड में भी हमने बात की थी कि इसे ए संक्रॉनसली लोड कर सकते हैं और ए संक्रॉनस लोडिंग का मतलब ये है कि ये पूरी जैमल फाइल इकट्ठी नहीं लोड होगी ये नहीं होगा कि सारी फाइल लोड हुई सारे कंट्रोल्स क्रिएट हुए यानी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल्स जानी है लेट्स अगर 100 कंट्रोल्स हैं तो 100 कॉल्स जानी है। हर कॉल ने थोड़ा टाइम लेना है तो ये नहीं होगा कि सारे इकट्ठे क्रिएट हों 8-10 सेकंड लगें और यूजर इंटर या दो तीन सेकेंड भी इवन लगें यूज़र इंटरफेस रिस्पॉन्सिव ना रहे उसके बजाय ये चंग्स ऑफ टाइम जो कि बाई डिफॉल्ट टू हंड्रेड है बट आप इसके थ्रू इस कीवर्ड के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हैं उतने उतने चंक लोड हों ये सारा का सारा काम पैरेलल नहीं हो रहा डिफरेंट थ्रेड्स पे नहीं हो रहा ये एक ही थ्रेड पे हो रहा है लेकिन ये 200 मिलीसेकंड चंक के बीच में हमें टाइम मिल जाता है डिफरेंट चीज़ों को रिस्पोंड करने का ये जो लूप चल रहा है जो ये टू के चंक्स को कर रहा है प्रोसेस इवेंट लूप या मैसेज लूप इसके हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी हुई है शुरू के लेक्चर्स में इवेंट लूप की इसे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे और फिर हमें क्लियर होगा कि इस चंक्स का फायदा क्या है एक्स कॉलन क्लास ये हम देख चुके हैं इससे स्पेसिफाई होता है कि जैमल पार्सर एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्रिएट करे और वो क्लास पार्शल क्लास किस तरह की हो एक्स कॉलन क्लास मॉडिफायर ये जो क्लास क्रिएट हो रही है इसकी विजिबिलिटी क्या हो जो कि बाई डिफॉल्ट पब्लिक है एक्स कॉलन कोड इसकी हमने अभी एग्जाम्पल देखी जेमल फाइल के अंदर कोड लिखें जो इस पार्शल क्रिएटेड क्लास के अंदर आ जाए एक्स कॉलन पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है ये इंटरनल जेमल और डब्ल्यू की इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होता है एक्स जो फील्ड की विजिबिलिटी सेट करता है और ये फील्ड्स कैसे बनती हैं मैंने आपको बताया था अगर आप किसी भी एलिमेंट को नेम कर देते हैं एक्स या नेम से तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्शल क्लास में एक फील्ड बन जाएगी ताकि आपको उसे फाइंड नेम करके ढूंढना ना पड़े बल्कि जस्ट उसे बाय नेम रेफर कर लें तो उस नेम की विजिबिलिटी एक्स कॉलन की कहाँ यूज किया था हमने डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड करते हुए एक्स कॉलन नेम ये कहाँ यूज किया था ये हमने एलिमेंट्स को नेम करने के लिए जिन नेम्स को हम जैमल के अंदर भी रेफर क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं फाइंड नेम से भी ढूंढ सकते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल क्लास में एलिमेंट्स भी बन जाते हैं पार्शल क्लास कब बनती है जब एक्स एक्सकॉलन क्लास देते हैं एक्स एक्सकॉलन शेयर्ड ये शेयर्ड का मतलब ये है कि आप कोई चाहते हैं कोई रिसोर्स इंस्टेंस शेयर ना हो मतलब आपके मल्टीपल यूजर इंटरफेसिस बन रहे हैं डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस हैं डिफरेंट विंडोज हैं उसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग कोई रिसोर्स कोई बिट मैप लोड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये ना हो कि वही सेम बिट मैप रिसोर्स का इंस्टेंस डिफरेंट जगह शेयर हो रहा हो तो उसकी शेयरिंग इससे कंट्रोल कर सकते हैं ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया एक्स कॉलन सब क्लास मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डॉट नेट लैंग्वेज पार्शल क्लासेस स्पोर्ट नहीं करती जो कि शीशा फुली स्पोर्ट करती है लेकिन अगर आपकी डॉट नेट लैंग्वेज जिसमें आप कोड लिखना चाह रहे हैं वो सपोर्ट नहीं करती तो आप ये सब क्लास का फीचर यूज़ कर सकते हैं जिस केस में जेमल जो क्लास बनाएगी वो पार्शल नहीं होगी वो एक कंप्लीट क्लास होगी और आप सब क्लास से बताएंगे कि आपने कौन सी डिराइव क्लास लिखी है तो फिर आपकी डिराइव क्लास में उसके बेस मेंबर्स एक्सेसिबल हो जाएंगे ये पार्शियल जितना नीट नहीं होगा उतना सिंपल कोड नहीं होगा बट स्टिल इट विल वर्क एक्स कॉलन सिंक्रोनस मोड के एक्जैमल लोड करने हैं जो हमने शुरू में बात की थी उस सिंक्रॉनसली करना है सारा इकट्ठा या चंक्स में करना है एक्स कॉलन टाइप आर्गूमेंट्स और ये एक्सकॉलन क्लास के साथ रूट क्लास में यूज़ होते हैं तो रूट क्लास में थोड़ी सी जेनरिक्स की सपोर्ट है यूजिंग एक्स कॉलन टाइप आर्गूमेंट्स लेकिन कंप्लीट नहीं है कि मैं कोई भी जेनरिक टाइप की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकूं एक्स कॉलन यू आई डी सिस्टम डॉट यू आर आई रिप्रजेंट करता है और ये यूज़ होते हैं इंटरनेशनलाइजेशन में रिसोर्स लोकलाइजेशन में एक्स कॉलन एक्स डाटा एनी डाटा जो जेमल पार्सर से टोटली totally उपयोग रखना हो उस पर के रूल्स अप्लाई ना होते हों इसके बाद कुछ मार्कअप एक्सटेंशन हैं जिन्हें हम अक्सर की से कन्फ्यूज करते हैं लेकिन एक्चुअली वो मार्कअप एक्सटेंशन हैं वो कौन सी हैं एक्स कॉलन अरे एक्स अगेन वही नेम स्पेस है अरे ये विद एक्स कॉलन टाइप के साथ यूज होती है एक्स कॉलन टाइप क्या चीज़ है वो भी एक मार्कअप एक्सटेंशन है विच इज़ मोर लाइक अ टाइप ऑफ ऑपरेटर तो इसे कोई टाइप का नाम देते हैं कि उसकी टाइप दे देते हैं और एक्स कॉलन अरे एक्स कॉलन टाइप के साथ यूज करके अरेज क्रिएट कर सकती है तो यूजिंग दिस मार्कअप एक्सटेंशन हम कोई अरेज बना के वो पास कर सकते हैं एक्स कॉलन नल ये हम यूज़ किया था हमने इसकी एग्जाम्पल भी देखी थी किसी भी जगह नल पास करने के लिए ये कोई कीवर्ड नहीं है ये एक मार्कअप एक्सटेंशन है जो नल रिटर्न करती है एक्स कॉलन रेफरेंस ये भी एक मार्कअप एक्सटेंशन है किसी नेम्ड एलिमेंट का पॉइंटर लेने के लिए उसका रेफरेंस लेने के लिए और ये पास टाइम पे रिजॉल्व होती है ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है अदरवाइज अगर ये नॉर्मल मार्कअप एक्सटेंशंस की तरह रन टाइम पे भी रिजोल्व हो तो वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सकॉलन स्टेटिक इसकी भी हमने एग्जांपल देख चुके हैं ये किसी स्टैटिक प्रॉपर्टी फील्ड को एक्सेस करने के लिए जैसे हमने सिस्टम डॉट विंडोज डॉट आईकन हाइट यूज किया था किसी बटन की हाइट सेट करने के लिए तो ये सारे जो की और हमने मार्कअप एक्सटेंशन देखी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनको मार्कअप एक्सटेंशन को की से हमने मिक्स नहीं किया मार्कअप एक्सटेंशन एक एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म है ब्रेसिस के अंदर यूज़ होता है और इसके थ्रू हम मजीद मार्कअप एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं और ऐसे काम अचीव कर सकते हैं जो जैमल में इन नहीं है इन समरी हमने जो अभी तक जैमल के बारे में देखा है जैमल में जो भी काम कर सकते हैं वो सी शार्प में हो सकता है लेकिन बहुत सारी डब्ल्यू की एपीआई डब्ल्यू WPF में काम करने के तरीके ऑप्टिमाइज हैं जेमल में करने के लिए यानी डब्ल्यू को डिजाइन करते हुए डिजाइनर्स के जहन में यह था कि जेमल यूज होगी तो अक्सर चीजें ऑप्टिमाइज हैं जेमल में करना लेकिन हर जेमल में करने वाला काम C# में हो सकता है डब्ल्यू में बिकॉज ऑफ जेमल बहुत डीप हैर है बिकॉज ऑफ जैमल भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू पी एफ बहुत डीप हैर सपोर्ट करना चाहता था इसलिए जैमल या डेक्लेटिव मार्कअप प्रेफर किया गया वो वहाँ पे नेचुरल बनता है डीप हैर से क्या मराद है डीप हैर का मतलब है कि आपने एक बटन बनाया है तो एक बटन इट्सल्फ बहुत सारे यू आई एक लेबल है उसके ऊपर उसके ऊपर एक बॉर्डर है उसका और उसका एक टेक्स्ट एरिया है उसका एक क्लिक मैकेनिज्म है वो फर्दर डम्पोज हो सकता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सेट हो सकती हैं तो ये जो डीप हैरार्की है इसे कोड में क्रिएट करना कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाता है क्योंकि कोड में हरारकी नज़र नहीं आती अगर आपने एक एलिमेंट को उसके पेरेंट में ऐड किया है तो कोड में जो इंडेंटेशन होती है उससे आपको ये अपेरेंट नहीं होगा लेकिन जेमल में हरार्कीज रिप्रेजेंट करना एक्सएमल में नेचुरल है इसमें दो कम्प्लेट्स हैं एक्सएमएल्स टू वर बोस टू टाइप रीड करने में तो ठीक है लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जेमल सारी हाथ से लिखनी है तो देन इट कैन गेट कम्प्लिकेटेड लेकिन उसका जो प्लस साइड है क्योंकि जेमल इतनी वेल well डिफाइंड है और उसका काम इतना सिंपल है प्रॉपर्टी सेट करना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कि टूल्स ये सारा काम करने के लिए बहुत एडवांस है यानी ये बड़ा रेयरली होगा कि हम कोई यूज़र इंटरफेस टाइप करके डिज़ाइन करें हम यूज़र इंटरफेस एक टूल में डिज़ाइन करेंगे वो एक जैमल जेनेट करेगा वो जैमल इंडिपेंडेंट है टूल स्पेसिफ़िक नहीं है मैं किसी और टूल से उस पर कोई प्रोसेसिंग कर सकता हूँ मैं किसी और टूल से उसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ मैं उसको रीड कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ इसमें क्या लिखा है दो तीन चीज़ें चेंज कर सकता हूँ तो ऑल दो ये कि यह वर्बोस है लेकिन इस वर्बोसिटी की वजह से उसे टाइप करना मुश्किल है हाथ से लेकिन टूल स्पोर्ट की वजह से ये कंप्लेंट थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाती है और सेकंड इसके जो प्रॉब्लम है वो जो कंप्लेंट कह सकते हैं कि इट्स स्लो टू पार्स यानी बजाय इसके कोड लिखा और वो एग्जीक्यूट कर जाए और सब चीज़ें ऐड हो जाए लेकिन अगेन इसमें टूल स्पोर्ट और जो ये बाइंड्री एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज है ये सब कुछ मिला के कंपाइल्ड कोड से इतना डिफरेंस नहीं रहता जितना एक्सपेक्टेड था दैट्स ए ये जैमल की पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर रही है तो ये हमारी टोटल थी जैमल की इंट्रोडक्शन फर्स्ट हमने देखा कि जेमल वाई जैमल फिर हमने देखा हाउ जैमल उसमें चीजें कैसे क्रिएट करते हैं फिर हमने देखा जेमल और प्रोसीजरल कोड को मिक्स कैसे करते हैं और फिर हमने एक समरी में उसके सारे keywords, उसके की उसके फीचर्स डिस्कस किए ऑन टॉप ऑफ जैमल अब हम डब्ल्यू के कुछ फंडामेंटल फीचर्स डिस्कस करेंगे डब्ल्यू पी एफ में कुछ फंडामेंटल ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इट्स रियली ट्रिकी टू लर्न यानी डब्ल्यू पी एफ का लर्निंग कर्व जो कहते हैं कि स्टीप है उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें आती हैं वो फंडामेंटल चीजें अगर हम कवर कर लें तो उसके बाद वो हम स्टीप वाला पार्ट कवर कर लेंगे और फिर हमें डब्ल्यू पी एफ के फीचर्स ज्यादा ईजीली समझ आने लग जाएंगे डब्ल्यू पी एफ की डीप हैरारकी उसमें बहुत क्लासेस हैं यानी जो उसकी क्लास हैरारकी है जो डब्ल्यू पी एफ़ की लाइब्रेरी क्लासेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो अगर हम स्ट्रेट अवे उसका चार्ट खोल के क्लास हर का उसे स्टडी करना शुरू करें तो वो एक बहुत ही कम्बलसम टास्क है लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्या हम सबसे पहले उसकी कुछ की क्लासेस लेके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद उसमें कुछ फीचर्स हैं लाइक लॉजिकल एंड विजुअल ट्रीज़ वो डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मतलब है जो बहुत कॉमनली हर जगह यूज होंगे और फिर हम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो एक्सटेंसिवली यूज हुई हुई हैं डब्ल्यू में वो क्या होती हैं तो सबसे पहले हम इसकी ये जो कोर क्लासेस हैं इनकी बात करते हैं इनकी डायग्राम देखते हैं और इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्लासेस क्या हैं ये ट्वेल्व क्लासेस हैं जो हम डब्ल्यू की फंडामेंटल क्लासेस डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहली क्लास है जो टॉप पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास वही एक बेसिक क्लास है जिससे डब्ल्यू पी एफ के सारी क्लासेज डिराइव हैं उसके बाद जो सेकेंड क्लास है वो डिस्पैचर ऑब्जेक्ट की क्लास है और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है डिस्पैचर बेसिकली जो वर्ड आया है वो एक मैसेज लूप से आया है कि जिस तरह से हमने एक इवेंट लूप लिखा था बड़े अपने शुरू में सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पे हम दो तीन केसेस हैंडल कर रहे थे कीबोर्ड और माउस के तो उसको हम जो जिस पॉइंट पे हम कोई इवेंट डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट कोई मेथड कॉल करते हैं उसको कहते हैं किसी इवेंट का डिस्पैच होना इसे हम फर्दर डब्ल्यू पी एफ के कंसेप्ट में इवेंट डिस्पैचिंग को देखेंगे लेकिन उस वजह से इसका नाम डिस्पैचर ऑब्जेक्ट है तो ये एक मैसेज लूप को सपोर्ट करता है या ऐसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है जिसके अंदर एक मैसेज लूप हो या एक इवेंट लूप हो और ये क्या करता है ये बिल्कुल एज्यूम करता है कि इसने एक थ्रेड पे चलना है अभी तक हमने मल्टी थ्रेडिंग की बात नहीं की लेकिन आगे जाके हम जरूर बात करेंगे क्योंकि यूजर इंटरफेस में थ्रेड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपने कोई भी लंबा काम करना है आप प्रेफर करते हैं कि आप किसी सेकंड थ्रेड में करें क्योंकि अगर आप यूजर इंटरफेस थ्रेड में करेंगे तो यूजर को लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव नहीं रही तो स्टक हो गई है तो ये एज्यूम करता है कि आप एक थ्रेड यूज कर रहे हैं डिस्पैचर ऑब्जेक्ट के नीचे नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट क्या है डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है अभी मैंने आपसे बात की थी कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ एक डब्ल्यू का फीचर है और ये एक प्रॉपर्टीज जो डॉट नेट का प्रॉपर्टी मैकेनिज्म है उसकी थोड़ी एक्सटेंशन है और हम ये डिस्कस करेंगे कि इस एक्सटेंशन की ज़रूरत क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं लेकिन ये जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करना चाहता है यानी जो भी ऑब्जेक्ट यह चाहता है कि उसमें डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज हो जरूरी है कि वो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड हो क्योंकि डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट जो क्लास है इसमें है, की सपोर्ट है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट टाइम ये एक इंटरेस्टिंग क्लास है फ्रीजेबल की जो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड है फ्रीजेबल की क्लास क्या करती है ये क्लास एक स्टेट में ले जाती है ऑब्जेक्ट को जिसमें ये सेट हो जाता है कि अब इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती और उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती और उस वजह से ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थ्रेड सेफ है तो नॉर्मली जो टॉप पे हमने देखा कि आपका डिस्पैचर ऑब्जेक्ट है वो थ्रेड सेफ नहीं है वो एज्यूम करता है कि सिंगल थ्रेड हो लेकिन फ्रीजेबल इस प्रॉब्लम को ऑल्डो के वो डाइव्ड है एक डिस्पैचर ऑब्जेक्ट से क्योंकि वायर डिस्पे वायर डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट वो डिराइव्ड है लेकिन वो फ्रीजेबल है तो अगर उस किसी फ्रीजेबल ऑब्जेक्ट पर फ्रीज कॉल कर दें तो उसकी प्रॉपर्टीज रीड ऑनली हो जाती हैं और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट थ्रेड्स में शेयर हो सकता है उसके बाद है विजुअल जो डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली डिराइव है विजुअल के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन पे अपीयर होने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक विजुअल क्लास से डिराइव्ड कोई चीज होगी तो विजुअल वो बेस क्लास है जिसके अगेंस्ट सारी कॉरेस्पॉन्डिंग सारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने स्क्रीन रेंडरिंग का स्पोर्ट विजुअल क्लास में है नेक्स्ट यू एलिमेंट जो विजुअल से डिराइव है इसमें स्पोर्ट है इवेंट्स की कमांड बाइंडिंग की लेआउट की फोकस की ये इवेंट्स वगैरह की स्पोर्ट यू आई एलिमेंट में ऐड होती है जिसका मतलब ये है कि ये कोई यूजर इंटरफेस एलिमेंट है यह खाली कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाली चीज़ नहीं तो बेसिक जो रेंडरिंग वगैरह की स्पोर्ट है वो विजुअल में है फॉर टू डी ऑब्जेक्ट्स और फिर यू आई एलिमेंट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग मजीद ये ऐड हो रहे कि फोकस और इवेंट्स ऐड हो सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो एक विजुअल थ्री और यू आई एलिमेंट थ्री की क्लासेज हैं सेपरेट राइट right साइड पे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से ही डिराइव हुई हुई और ये विजुअल की तरह थ्री डी कोई ऑब्जेक्ट की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो वो विजुअल थ्री डी से डराइव होगी और थ्री डी यू आई एलिमेंट्स यू आई एलिमेंट थ्री डी से डराइव हैं नेक्स्ट क्लास है कंटेंट एलिमेंट की कंटेंट एलिमेंट एक सेपरेटली डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड है और कंटेंट एलिमेंट यू आई एलिमेंट की ही तरह है लेकिन ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए है डॉक्यूमेंट रिलेटेड कंटेंट से यह इमराद है कि इसके अगेंस्ट स्क्रीन पर कोई कंट्रोल नहीं है मसन डॉक्यूमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है पेज का तो या डॉक्यूमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है किसी डेटा का तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कंटेंट एलिमेंट हो सकता है कंटेंट एलिमेंट इट्स स्क्रीन पे नहीं आएगा बट ये ऑफन किसी और एलिमेंट का पार्ट होगा किसी विजुअल एलिमेंट का पार्ट होगा मसन कोई विजुअल एलिमेंट है ग्रेड का और उसके अंदर एक कोई कॉन्टेंट एलिमेंट है टेबल का या पेज का और उसमें से कॉन्टेंट स्क्रीन पे इवेंचुअली आ सकता है लेकिन थ्रू सम ऑब्जेक्ट डिराइव फ्रॉम विजुअल उसी तरह से फ्रेमवर्क एलिमेंट है फ्रेमवर्क एलिमेंट कहाँ से एक यू आई एलिमेंट से डिराइव हो रहा है और फ्रेमवर्क एलिमेंट क्या ऐड करता है फ्रेमवर्क एलिमेंट ऐड करता है स्पोर्ट फॉर स्टाइल्स डेटा बाइंडिंग रिसोर्स तो ये क्या चीज़ें ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपके यू आई एलिमेंट्स मजीद उनमें सपोर्ट आती है डेटा बाइंडिंग एक बड़ी फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप किसी एग्जिस्टिंग डेटा से अपने कंट्रोल को बाइंड कर सकते हैं फ्रेमवर्क कंटेंट एलिमेंट यही सारी सपोर्ट नॉन विजुअल एलिमेंट्स के लिए लेके आता है जो कि कंटेंट एलिमेंट से डिराइव है और नेक्स्ट है जो कि लास्ट है मेरी इन क्लासेस में से है कंट्रोल की क्लास जो बेस क्लास है बहुत सारे कॉमन कंट्रोल्स लाइक बटन लिस्ट बॉक्स स्टेटस बार में और उसमें बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज ऐड होती हैं फ्रेम फोरग्राउंड बैकग्राउंड और इसमें कंप्लीटली रीस्टाइल करने की फंक्शनैलिटी ऐड होती है तो ये ट्वेल्व क्लासेस हमारी डब्ल्यू की फंडामेंटल क्लासेस हैं इससे आपको इसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होंगे सबसे की आपके डिस्पैचर ऑब्जेक्ट जो आपका थ्रेड सेफ नहीं है कभी आपने एक डिस्पैचर ऑब्जेक्ट से डिराइव क्लास एक थ्रेड्स यूज़ नहीं कर सकते अनलेस के वो फ्रीजेबल हो और आप उसे फ्रीज कर दें यानी जो फ्रीजेबल क्लास है जो डिराइव्ड है डिस्पैचर ऑब्जेक्ट से लेकिन स्टिल अगर आप उसे फ्रीज कॉल कर दें और उसके बाद आप उसकी कोई चीज़ चेंज ना करें चेंज कर ही नहीं सकेंगे एरर आ जाएगा क्योंकि वो फ्रीजेबल है तो वो आप शेयर कर सकते हैं फ्रीजेबल क्या चीज़ें हो सकती हैं ब्रशेज आपके पेन्स जिनसे आप स्क्रीन पर ड्राॅइंग करते हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे फ्रीजेबल होते हैं ताकि आप इन्हें एक बार जैसे आपने वाइट सॉलिड ब्रश बना दिया अब आप उसे फ्रीज कर दें और अब आप उसे क्रॉस थ्रेडिली इजीली पास कर सकते हैं डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट्स जो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है जो अभी हमने डिस्कस करनी है तो ये चूंकि सारे बाकी ऑब्जेक्ट्स का रूट है इसलिए हर ऑब्जेक्ट्स डब्ल्यू का डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है अगर आपने अपनी एक नई क्लास लिखनी है और आप उसमें डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी चाहते हैं तो आपको उसे डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी इससे डिराइव करना होगा क्या होती है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज ये हमने अभी तक पोस्टपोन रखा हुआ जो 2D के लिए 3D के लिए और कंटेंट क्लासेस जो डिस्प्ले नहीं होती इन सारी क्लासेस को यूज करते हुए हमने जैमल में जो दी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट ग्राफ बना यहाँ पे अब हम एक नया कांसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल और विजुअल ट्रीज का लॉजिकल ट्री क्या होता है और विजुअल ट्री क्या होता है डब्ल्यूपीएफ के कॉन्टेक्स्ट में जब आप ज़ेमल में एक एक स्पेसिफिकेशन देते हैं एक हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाई करते हैं अगर मैं उसके कोरिस्पोंडिंग ड्रा करूं एक ट्री के एक बटन क्लास से उसके एक बटन नोड बना दूं उसके सब क्लास से उसकी एक विंडो की क्लास है उसकी एक नोट बना दूं उसके चिल्ड्रन है तीन बटन उनके नोट्स बना दूं तो ये जो ट्री बनेगा ये एक लॉजिकल ट्री है ये आपके इंटरफेस को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये लॉजिकल ट्री क्यों है ऑल दो ये कि मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया जो स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए बट स्टिल ये लॉजिकल ट्री है क्यों क्योंकि इसको जब इसने स्क्रीन पे अपीयर होना है तो बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स बहुत सारे विजुअल एस्पेक्ट्स इसमें ऐड होने हैं मसन एक अगर आप लिस्ट बॉक्स की बात करें तो लिस्ट बॉक्स में स्क्रॉल बार या उसके जो बटन या उसका जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है ये सब इन रियलिटी डिफरेंट कंट्रोल्स हैं ये डिफरेंट विजुअल से डिराइव्ड क्लासेज होंगी जिनके इंस्टेंसेज होंगे जबकि लिस्ट बॉक्स हमने वहाँ पर एक क्लास मैंशन कर दी थी इसी तरह से हम बास को लॉजिकल ट्री या जेमल में कुछ ऐसी स्पेसिफाई कर देंगे जिनके कोरस्पॉन्डिंग विजुअल ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ये जो सारी चीजें ये सारी डिटेल्स अगर हम एड कर दें तो जो ट्री बनता है वह एक विजुअल ट्री है तो एक लॉजिकल ट्री जेमल में स्पेसिफाइड विजुअल ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली स्क्रीन पे अपियर होगा सारी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं ये सारे आपके लॉजिकल ट्री से एसोसिएटेड हैं क्योंकि आपने में हैं। क्यों है? क्योंकि इस में स्पेसिफाई किए हैं लॉजिकल ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज और इवेंट की प्रोपोगेशन होती है ये हम अभी कंसेप्ट अभी मजीद डिटेल में भी देखेंगे बट आपकी प्रॉपर्टीज लॉजिकल ट्री में डाउनवर्ड ट्रेवर्स करती हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट पर स्पेसीफाई करते हैं तो उसके सब एलिमेंट्स को कैसे अफेक्ट करती है इसका एक मैकेनिज्म है इवेंट्स जो आपके हैं वो अप और डाउन द ट्री ट्रेवल्स कर सकते हैं उसको भी हम इवेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे उसका फ़ायदा क्या है और ऐसे क्यों होता है लेकिन ये चीज़ें लॉजिकल ट्री से एसोसिएटेड है विजुअल ट्री मोर ऑफ ए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है जिसमें सारे विजुअल डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स या विजुअल थ्री डी डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका ट्री बनता है और आपका कोड विजुअल विजुअल ट्री पे डिपेंड नहीं करना चाहिए आपका कोड लॉजिकल ट्री पे भी उसकी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए बट विजुअल ट्री पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम एक सिंपल सा अबाउट डायलॉग बॉक्स लेंगे और उसकी एग्जाम्पल देखते हैं और उसके ये दोनों ट्रीज देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये हमारी जेमल फाइल है इसके अंदर हमने एक विंडो बनाई है उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज सेट किए हैं उसका बैकग्राउंड हमने सेट किया है उसके अंदर हमने स्टैक पैनल बनाया है पैनल्स क्या होते हैं ये बेसिकली एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है इसे भी हम किसी डिटेल में देखेंगे हमने लेबल बनाया है उसके बाद जिसमें हमने कुछ फर्दर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की हैं उसके बाद हमने एक लिस्ट बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हमने दो आइटम्स डाले हैं चैप्टर वन चैप्टर टू और उसके बाद एक और स्टैक पैनल हमने बनाया है और उसके अंदर हमने बटन्स डाले हैं हेल्प का और ओके okay का और उसके बाद हमने एक स्टेटस बार

आपका विंडो रूट पे है उसके नीचे एक स्टैग पैनल है उसके नीचे लेबल्स हैं लेबल्स के सारे लिस्ट बॉक्स है स्टैक पैनल एक और है उसके नीचे दो बटन्स हैं उन बटन्स के नीचे आपके पास स्ट्रिंग हैं लेबल्स के नीचे भी आपके पास है, स्ट्रिंग्स हैं ये स्ट्रिंग्स क्यों हैं क्योंकि लेबल्स के टैग के अंदर आपने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो ये एग्जैक्ट आपकी डिटेल है जैसे आपने जैमल फाइल लिखी है एक्जैक्टली exactly उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ट्री बन गया है लेकिन अगर आप इस ट्री का कॉरस्पॉन्डिंग विजुअल ट्री देखें तो वो उसमें बहुत सारी नोट्स हैं उसको ये कह सकते हैं आपके ये लॉजिकल ट्री के को एक्सपेंड हो गया और उसमें सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऐड हो गई हैं ऑल ये कि ये पॉसिबल है कि इसमें यानी लॉजिकल ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ड्रॉप हो जाए क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो विजुअल से डिराइव्ड नहीं है वो लॉजिकल ट्री में तो आ सकती है विजअल ट्री में नहीं आ सकती लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि आपका विजुअल ट्री आपके लॉजिकल ट्री की एक्सपेंशन है इसमें आपके पास बॉर्डर आ गया आपके पास डिफरेंट कंटेंट ट्रांसफॉर्मर्स आ गए बहुत सारी क्लासेस हैं ये रीडेबल भी नहीं जितना इस ट्री में नोट्स ऐड हो गई हैं इन दोनों ट्रीज को लॉजिकल ट्री को और विजुअल ट्री को हम कोड से ट्रेवर्स कर सकते हैं हम एक्चुअली एक एग्जाम्पल देखेंगे देखने जा रहे हैं राइट right अवे जिसमें हम एक लॉजिकल ट्री हेल्पर और एक विजुअल ट्री हेल्पर क्लासेस हैं उन्हें यूज करते हुए इन इन ट्रीज को प्रिंट करें यानी हम इन्हें इंडेंट करके स्क्रीन पर ही प्रिंट करेंगे इन्हें टेक्स्ट फॉर्म में देखेंगे कि ये क्या ट्रीज हैं और ये हम बेसिकली एक कोड बिहाइंड फाइल सिर्फ मैं आपको शो करूंगा आपको इसका ग्लोइंग कोड लिखना आता है एक्सकॉलन क्लास और उसकी नेम्स वे आप लिखें तो वो किसी भी फाइल से ग्लू हो जाएगी आप इसे इसी अबाउट बॉक्स से ग्लू कर दें तो आपको ये जो मैंने अभी ट्रीज दिखाए प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे जो आपका विजुअल ट्री प्रिंट होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे किस थीम के साथ चला रहे हैं जो अभी ये आपको एग्जाम्पल है ये विंडोज सेवन पे एरो थीम के साथ है तो ये विजुअल में ऐसी डिटेल्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आ जाएंगी कि आप एग्जैक्टली exactly कौन से केस में से यूज कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि लॉजिकल ट्री हेल्पर और विजुअल ट्री हेल्पर को लिख के को यूज़ करके हम कैसे इन ट्रीज़ को ट्रेवर्स कर सकते हैं और इन्हें कैसे इनके को प्रिंट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में हमने इस ऑन कंटेंट रेंडर्ड का एक इवेंट यूज़ किया है और ये इवेंट हमने क्यों यूज़ किया है ये हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम विजुअल ट्री को प्रिंट कर सकें और यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि विजुअल ट्री आपका सिर्फ तब अवेलेबल होगा जब आपका ट्री इस वक्त रेंडर हो चुका है जब आपकी जेमल पार्स हुई तो लॉजिकल ट्री तो आपका तब रेडी है बट जब तक आप इसे स्क्रीन पे रेंडर नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर थीम में स्टाइलिंग के साथ जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी ओएस की स्टाइलिंग यूज हो रही है तब तक आपका विजुअल ट्री रेडी टू पार्स नहीं होगा तब तक ये एम होगा तो हमने ये फंक्शन कॉल किए प्रिंट विजुअल ट्री का और प्रिंट लॉजिकल ट्री का फंक्शन हमने सीधा कंस्ट्रक्टर से कॉल कर लिया क्योंकि एज सोन एज इनिशलाइज कॉम्पोनेंट कॉल हुआ जैमल फाइल लोड हुई उसके बाद लॉजिकल ट्री अवेलेबल है इनिशलाइज कॉम्पोनेंट के बाद हमने प्रिंट लॉजिकल ट्री किया है उससे पहले लॉजिकल ट्री भी एम होना था बट कंस्ट्रक्टर में किसी भी पॉइंट पे विजुअल ट्री एमटी होना था क्योंकि अभी तक एक्चुअल रेंडरिंग नहीं हुई एक्चुअली स्क्रीन पे चीज़ें अपीयर नहीं हुई सिर्फ लोड हुई हैं तो ऑन कंटेंट रेंडर्ड का इवेंट तब कॉल होता है जब स्क्रीन पे रेंडर हो जाए और उस टाइम पे हमारे पास विजुअल ट्री अवेलेबल है। प्रिंट कैसे किया है हमने? बड़े सिंपल तरीके से हमने ये देखा है एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा है और उस रिकर्सिव फंक्शन में हमने फॉर ईच ऑब्जेक्ट चाइल्ड इन लॉजिकल ट्री हेल्पर डॉट गेट चिल्ड्रन ये हमारा की फंक्शन है लॉजिकल ट्री हेल्पर एक क्लास का स्टैटिक मेंबर यूज किया है गेट चिल्ड्रन और उस गेट चिल्ड्रन को हमने ये जो ऑब्जेक्ट रिकर्सिवली जिसे इन्वोक कर रहे हैं उसे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट में कास्ट करके पास कर दिया है ये उसके सारे चिल्ड्रन दे देगा और हम उस चिल्ड्रन को प्रिंट कर देंगे और उस लूप को रिकर्सिवली कंटिन्यू करते जाएंगे विजुअल ट्री के, के केस में हम विजुअल ट्री हेल्पर डॉट गेट चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं और विजुअल ट्री हेल्पर डॉट गेट चिल्ड्रन काउंट यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम विजुअल ट्री के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये हमने देखा हम पूरा का पूरा विजुअल ट्री या लॉजिकल ट्री प्रिंट कर सकते हैं तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए लॉजिकल और विजुअल ट्री आप कोई सिंपल एग्जाम्पल अपनी बना के ये फंक्शन यूज करके ये देख सकते हैं उसका लॉजिकल ट्री क्या है उसका विजुअल ट्री क्या है और इसमें हमारे पास जो आ, कोई भी क्लास जो विजुअल से डिराइव्ड है उसके पास ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं विजुअल पेरेंट विजुअल चिल्ड्रन काउंट और गेट विजुअल चाइल्ड इसके थ्रू आप किसी वक्त भी यानी ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं विच मीन्स आपके पास कोई क्लास है कोई एक्चुअल एलिमेंट है जो स्क्रीन पे रेंडर होना है और वो अपने एक्चुअल चिल्ड्रन जो भी उस वक्त की थीम के हिसाब से उसके बने हैं उन्हें वो पास कर सकता है फ्रेमवर्क एलिमेंट और फ्रेमवर्क कंटेंट एलिमेंट के पास भी पेरेंट प्रॉपर्टी और लॉजिकल चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू लॉजिकल चिल्ड्रन या लॉजिकल ट्री को पास किया जा सकता है तो आज हमने क्या देखा आज हमने जैमल की डिस्कशन को रैप अप किया जैमल को प्रोसीजरल कोड के साथ इंटरफेस करना उसके कीवर्ड्स वर्ड्स वगैरह की, की समरी देखी WPF की इंट्रोडक्शन देखी WPF की ट्वेल्व की क्लासेस को समझा अब हमें कोई भी WPF की क्लास दे दें हम उसकी हरारकी में पहली क्लास ढूंढेंगे, जो इन ट्वेल्व में से हो और फिर हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा अगर वो कंट्रोल से डिराइव है तो वो क्या है अगर वो फ्रेमवर्क एलिमेंट से डिराइव है तो वो क्या है वो स्क्रीन पे अपीयर हो सकती है या रेंडरिंग कर सकती है या उसमें डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या वो फ्रीजेबल है ये सारी इन्फॉमेशन हम ये देख लेंगे उन ट्वेल्व में वो किस जगह आती है और हमें उसके बारे में पता चल जाएगा ये हमारी पहला की टॉपिक था डब्ल्यू का ये ट्वेल्व फंडामेंटल क्लासेस नेक्स्ट हमने लॉजिकल एंड विजुअल ट्रीज को डिस्कस किया कि लॉजिकल ट्री आपके जैमल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री बनता है वो लॉजिकल ट्री है और किसी पर्टिकुलर विजुअल इम्प्लीमेंटेशन में जो सारी क्लासेस एक्स्ट्रा बनती हैं जो कि सारी विजुअल से डिराइव्ड होती हैं बिकॉज़ वो स्क्रीन रेंडरिंग के कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं वो सारी विजुअल क्लासेस विजुअल ट्री बनाती हैं और नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक डब्ल्यू में डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए खुदाफिज